नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। काफी दिनों की गर्मी और उमस के बाद आज लोगों को उस वक्त राहत मिली जब देर शाम बारिश शुरू हो गई। इस बारिश के शुरू होने के साथ ही खुल गई नगर परिषद और नगर विकास न्यास की पोल। एक तरफ जहां लोगों ने बारिश से राहत प्राप्त की, वहीं दूसरी तरफ लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यह परेशानी इसलिए पैदा हुई कि जगह जगह बारिश के कारण पानी का ठहराव हो गया। यह पानी का ठहराव गौशाला रोड, सुखाड़िया मार्ग, गगन पथ, रविन्द्र पथ आदि पर ज्यादा रहा। यहाँ आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं नगर विकास न्यास और नगर परिषद को लोगों को कोसते नजर आए। दोनों निकायों के ही दावे दरे के धरे रह गए। हमने बारिश के पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था कर ली है। आज यह पूरी व्यवस्था चौपट नजर आई। बारिश के चलते बच्चों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जो विभिन्न कोचिंग सेंटरों पर कोचिंग के लिए गए हुए थे, बारिश के पानी के ठहराव के चलते बच्चों को घर पहुंचने में भारी परेशानी हुई। गौशाला मार्ग व सुखाड़िया सर्कल से मीरा चौक पर तो हालात ऐसी थी कि जगह जगह व्हीकल फंसे नजर आए। कहीं मोटरसाइकिल फंसे हुए थे, कहीं कारें रुकी हुई थी। सड़कों पर जगह जगह बने खड्डे भी परेशानी में का कारण बने। इन खड्डों में गिरकर अनेक लोग चोटिल हो गए, क्योंकि बारिश के पानी के भरे होने के कारण इन खड्डों का पता नहीं चला, जिसके चलते अनेक बच्चे खड्डे में गिरकर चोटिल हुए। जिला कलेक्टर ज्ञानाराम हर बार बैठक में नगर विकास न्यास व नगर परिषद के अधिकारियों को इस बात के लिए सचेत करते हैं कि मानसून आ गया है और वर्षा के पानी की निकासी के लिए समुचित प्रबंध करें। जिला कलेक्टर की ये बात इन दोनों विभागों पर कानों पर जो मात्र रेंगने का काम नहीं करती। ये बात हम नहीं, शहर की बदहाल व्यवस्था चीख चीख कर बतला रही है, लेकिन इसके चीख की आवाज न जिला कलेक्टर को सुनाई दे रही है, न ही छपास रोगी नेताओं को।